अच्छा बाबू, हम गायक राजेश यादव और हमारी पूरी पार्टी आप सभी बिरहा प्रेमी श्रोतागण सज्जन का हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करते हुए आप सबको प्रणाम करते हैं। एक बिरहा आप लोगों के बीच में प्रस्तुत बा पूनम कैसेट के माध्यम से बड़े भैया प्रकाश यादव जी के निर्देशन में वीर रस के बिरहा आप लोगों के बीच में प्रस्तुत बा। बिरहा बड़ी रंगीन बा, ऐतिहासिक बिरहा बा, अलग तरह का कहानी बा। चार लाइन भूमिका में कहना है, जे अपने फर्ज बदे, अपने ईमान बदे, देवल जबान बदे, हंसके सब कुछ लुटा देले सो हो, ये जमाने में ये दुनिया में इतिहास के स्वर्ण अक्षर में नाम वही के लिखाला कहना हो। तो मातृभूमि गरिमा हम जाने न देंगे, अरे चाहे बल बेदी पेसर कटाना पड़ेगा। जिस्म फौलाद है बन के सोला रहेगा, लाज आंचल का हरदम बचाना पड़ेगा। त्याग बलिदान की है कहानी करुण, फर्ज पे ना झुका देता पैगाम है। अरे जूनागढ़ में दवाइत यादव रहे, जिनका इतिहास में भी अमर नाम है। जूनागढ़ में दवाइत यादव रहे, कहानी वो समय कबा जब हमार हिंदुस्तान छोटा छोटा राज्य में बटल रहल, अलग अलग रियासत के अलग अलग राजा रहलन। कहानी वहीठन से लेवल गेल गुजरात प्रांत में आज जूनागढ़ बा। लेकिन ये कहानी वो समय कबा जब गुजरात और जूनागढ़ दोनों अलग अलग स्वतंत्र राज हुआ करते थे। कहानी का सिलसिला आगे बढ़ल, एक लाइन कव्वाली के गीत लग गल। अरे खिला खिला कौनो यासिक मासूका के रूप जवानी का वर्णन कैले बा, का कहले बा। अरे खिला खिला स्वरूप तुम्हारा, अरे देख के मन जाता है झूम, अरे देख के मन जाता है झूम। कह दो लू हो बिरहा में बड़ी ऊंची लाइन कभी जी लिखलन है, का लिखले हुए कि अरे चुके नहीं जो फर्ज पे अपने, अरे लुटा दे हर था थी सरेआम, लुटा दे हर था थी सरेआम, लेता जमाना उसका नाम। चुके नहीं जो फर्ज पे अपने, लुटा देहर था थी सरेआम, लेता जमाना या फिर गाए जमाना उसी का नाम। कहानी का शुरुआत हो गई जैसे भाव लगल। अरे
जूनागढ़ के अंदर था रादियास का शासन, तब प्रतिभा बढ़ी चढ़ी थी, सुशोभित था सिंहासन। तब दानी थे बलशाली, झूमती प्रजा मस्ती में, जो मांगता पा जाता कभी नहीं हस्ती में। गिरनार तीर्थ था आला, भुवनेश्वर नाथ अविनाशी, तब मंदिर रहा अनेको, दर्शन बिन जिया हुलासी। लेला तनी से उठा के भैया, अरे सुनकर प्रशंसा भारी, गुजरात की महारानी, दर्शन करने जाऊंगी, कठिन व्रत है मन में ठानी, करदेव सोलंकी राजा, सेनापति को खबर पठाया, राजमाता का रथ सजा कर तब सैनिक बहुत लगाया। रुका भैया, कहानी पहले आप लोग समझ ला। जूनागढ़ अंतर्गत गिरनार पर्वत बा, गिरनार पर्वत पर बाबा भोलेनाथ का मंदिर, दूर दूर से दर्शनार्थी आके मंदिर में पूजा अर्चना करत हुए। वो मंदिर के प्रशंसा जब गुजरात देश का राजमाता सुनलिन है, मन में इच्छा जगल कि चल के बाबा भोलेनाथ का दर्शन करे के चाही। इच्छा के जानकारी जो ही पता चला है, गुजरात के राजा कर्णदेव सोलंकी को सेनापति को आदेश दिया, रथ सज गई, दो चार सैनिक साथ में चल देते हैं जूनागढ़ की ओर। जब राजमाता का रथ सज के चलल हो, उस समय ठे गीत लग गई, गीत बड़ी सुंदर बा, बड़ा प्यार से माता बहिन शुभ अवसर पे गीत गावेलिन। केहर से आवेले बाबा के तितिलावा हो, केहर से आवेले, अरे बाबा के तितिलावा हो, केहर से आवे लाल मैना, केहर से आवे लाल मैना, हाई रे सांवरिया हो, हाई रे सांवरिया हो। चलल बा त जूनागढ़ में चलली, जूनागढ़ में चलली गुजरात की महारानिया हो, जूनागढ़ में चलली गुजरात की महारानिया हो, करे देवी देवतन के दर्शनवा, करे देवी देवतन के दर्शनवा, हाय रे मायनवा हो, क्या बात है, जूनागढ़ के बॉर्डर पर पहुंच गल। जूनागढ़ के सैनिक अपन ड्यूटी निभावत हुए, सैनिक रथ के रोक देलन,
कहलन हाथ जोड़ के कि भैया जे भी हमन के राज में प्रवेश करला वो पथकर दे के जला। सेनापति कहा कि ए सैनिको, अरे तुम्हें पता है कि पथकर किससे मांग रहे हो, जरा परिचय तो जान लो। परिचय बताने लगा वह सेनापति, क्या परिचय दे रहा है बतौले बा। अरे गुजरात देश की माता है, सैनिक बोला बात संहार, राह छोड़ दो दर्शन करने जाना है गिरनार। सेनापति कहा कि ए सैनिको, ये गुजरात देश के राजा कर्णदेव सोलंकी की मां है और बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए गिरनार पर्वत पे जाना चाहती हैं। इतना सुनना था कि बड़े ही विनम्र भाव में जूनागढ़ के सैनिकों ने हाथ जोड़ करके कहा कि भैया हमहन अपन ड्यूटी निभावत ही, चाहे गुजरात का राजमाता हो और चाहे दिल्ली का राजा हो, मतलब हमहन के ऐसे ना बा, मतलब हमहन के अपन ड्यूटी निभावले से बा। सम्मान से आप लोग पथकर जवन हमहन के नियम के अनुसार बनला ओके दे के दर्शन करे बदे आप जा सकलन, कौनो रोक छेक नहीं बा। इतना सुनना था रथ पर बैठी हुई राजमाता का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया, आग बबूला हो उठी। अरे परिचय बताने के बावजूद भी जूनागढ़ के सैनिकों की यह हिम्मत, बुला करके अपने सेनापति को एक ठे बात कहलीन है। का कहलीन? बड़ी पुरान लेकिन बड़ी रसदार गीत बा, इकुल कभो पुरान होबे न करी। वह गीत बा कैसे कि अरे झूलानी पे उड़ती, अरे झूलानी पे उड़ती, अरे जहाजिया गढ़ा द हमार पाय जेब, अरे हमार पाय जेब राजा ही राजड़ा द। सुल गए गुस्से में, बुलाए के सेनापति के आदेश दलिन, रथ लवटाय चली, रथ लवटाय चली, अरे गुजरात की महारानिया, अब बेटावा से अपने बतावली कहानिया। रथ लेके वापस अपने राजमहल गुजरात में आईलिन, जो ही राजा कर्णदेव सोलंकी को पता चला, बिना दर्शन कैले माई वापस लौट एलिन। काहे लौट एलिन? दौड़ के जाके पूरी बात का जब जानकारी बहल बा, रानी राजमाता कहथिन अपने बेटा कर्णदेव सोलंकी से, का कहलिन कि अरे जूनागढ़ मसान बनी, तब देखब कुबतिया सुनत बतिया, छतिया सुल गए गुस्से में। राजमाता का बतिया जब राजा कर्णदेव सोलंकी सुन ले बा, अविलंब
सेनापति को आदेश दिया, तैयारी करो, जूनागढ़ पर चढ़ाई करनी है। और जब तैयारी होए लगल तो एक ठे गीत लगल, वह गीत बा अरे सासु मारा तनावा कि अरे ननदियो मारा तनावा रे तनावा हई हो अरे तनावा हई हो तो हमारे आगे के बिटिहिनी रे तनावा हई हो सेना सजे लगल। जब सेना सजल हो वो समय का भाव लगल कि अरे साजी के जवनवा कैले तब करण देवे लनवा हो जनवा छोड़ब ना अरे जनवा छोड़ब ना त कैसे जिंदा दुश्मनवा रे जनवा गुजरात के सैनिक घेर लिए, घनघोर लड़ाई शुरू हो गई। घेर लिए जूनागढ़ को अरे पूरी पलटनिया राजा रादियास के काटल गर्दनिया के मैदान में घनघोर युद्ध भइल। जूनागढ़ के सैनिक पहले से तैयार नारलन ए बाबू, परिणाम ही निकलल, जूनागढ़ के सैनिक परास्त हुए। इतना ही नहीं, बहादुरी के साथ रणभूमि के मैदान में लड़ते लड़ते जूनागढ़ के राजा रादियास भी शहीद हो गए। भैल का अरे खुनावा का धार बहल अब जंग माया दानवा रे जनवा छोड़ब ना अरे जनवा छोड़ब ना तब बनी है जूनागढ़ मसनवा जनवा छोड़ब ना रणभूमि के मैदान में महाराजा रादियास भी शहीद हुए, सेना परास्त हो गई। ये खबर महारानी की विश्वास पात्र दासियां जो सगी बहन हैं जिनका नाम दासी अड़ी कड़ी बताया गया, दौड़ करके जा करके राजमहल में महारानी स्वरूपा को ये खबर देती हैं। इतना सुनना था कि महारानी की आंखों में आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा मुझे अपने जान की फिक्र नहीं है, लेकिन जो गोद में मेरा मासूम बच्चा है चिंता सताने लगी। अहदासियों कोई उपाय लगाओ, जूनागढ़ के राजकुमार को, इस जूनागढ़ के वारिस को बचाना बहुत जरूरी है। दोनों दासी हाथ जोड़ करके खड़ी हिन कहलिन महारानी हमन अपन जान दे देवल जाई, लेकिन आप आदेश करा। आदेश कैलिन है का समझौलिन है अपने दासी अड़ी और कड़ी के समझाए के कहलिन कहलिन कि गांव कोलाम्भा देवाहित यादव अहदासियो राज्य के अंतिम छोर पर एक गाँव है जिस गांव का नाम कोलाम्भा बताया गया। कहलिन की गांव कोलाम्भा देवाहित यादव, अरे सोनल जिनकी नारी है मेरे लाल को ले जाकर देना बचपन की सखी हमारी है। पहलवान है देवाहित यादव, भटके के ना होई, 10-20 गांव दूरे रहबू तब वे लोग बता दई हैं बहुत नामी पहलवान हुए। बतौलिन है कि पहलवान है देवाहित यादव, अरे बस पूरी बात बता देना, लिख रही हूं पाती खूनों से ये पाती उन्हें थमा देना। बतौलिन है गांव कोलाम्भा में देवाहित पहलवान जिनकर मेहरारू सोनल हमारे बचपन के सहेली हैं, हमें पूरा विश्वास बा अगर तू हमारे कलेजा के टुकड़ा के ले जाके सोनल के हाथ में दे दे बहु, हमें पूरा विश्वास बा अपने लाल के तरह हमारे लड़का के पली हैं वो लोग। दासी अड़ी कड़ी अविलंब
गोद में बाबूजी जूनागढ़ के वारिस के लेलिन हैं। इतने ना अपने सहेली देवाईत पहलवान के मेहरारू बदे महारानी एक ठे चिट्ठी लिखलिन है। चिट्ठी लेके दासी अड़ी कड़ी भागत परात पहुँचलिन बाबू गांव कोलंबा में। अजाय करके जब हाथ में थमौलिन है वो चिट्ठी देवाईत यादव के मेहरारू सोनल के। अजब सोनल चिट्ठी खोल के पढ़त हैं, देखा वो चिट्ठी में लिखल का हो, रानी लिखले हैं चिट्ठी में। का लिखले हैं? पतिया लिखली रंगानी फारी फारी छतिया हो, अरे जूनागढ़ पे आयल बा विपत्ति आए बहिनी, संयम ओरा मारल गईले अरल माए दनवा हो, अरे फूटल बा अभागिन के किस्मती आए बहिनी, गोदिया के लाल मोरे करे जवा के टुकड़ा हो, रखी हा जोगा के मोरा थती आए बहिनी। चिट्ठी पढ़ले के बाद बाबू तुरंत वो जूनागढ़ के वारिस राजकुमार को दासियों के गोद से लेके अपने छाती से लगा लेलिन सोनल। एहर दूरे से देवाईत पहलवान अखाड़े पर रियाज वाज कह के पहुंचत हुए, देखलन कि अरे हमारे द्वार पर दुईठे मेहरारू अनजान हैं, हमारे मेहरारू के गोद में एक ठे दूसर लड़का बा। तनी कदम और आगे बढ़ा देलन और करीब जब पहुंचलन तो देखत हुआ कि मेहरारू के आंख में आंसू भी बा। तेजी से कदम बढ़ाए के कोनो अनहोनी घटना का मन में विचार आवत हो तो इसे बढ़ के पहुंचलन है। अजब दरवाजे पर पहुंचलन पूरी बात का जब जानकारी भइल, ऐलान करके दासी अड़ी कड़ी के सामने पहलवान कहलन कि ए दासियों, इतना बड़ा भरोसा इतना बड़ा विश्वास जब हमारे जैसे एक छोटे राज्य के छोटे से व्यक्ति के ऊपर अगर महारानी का हुआ है महाराज का हुआ है तो कान खोल करके एक बात आप लोग सुन लो। जब तक देवाईत यादव के बदन में एक एक कतरा लहू बा, भगवान श्री कृष्ण का सौगंध खाके हम कहते ही आँच नहीं आने दूंगा मैं इस राजकुमार को। ऐलान करके देवाईत यादव कहलन टेरी में बहाव लगल। कहलन कि अरे बचैब जूनागढ़ के पनिया, अरे तब बचैब जूनागढ़ के पनिया, यदुकुल हंस बंस में दागी ना लगई बे, बचैब जूनागढ़ के पनिया, अरे यदुकुल हंस बंस में दागी ना लगई बे। ऐलान करके कहलन कि पहलवानी का परवान चढ़ा, देवाईत यादव ललकारा है, अरे राज धर्म का रक्षा करना ये कर्तव्य हमारा है। कहलन कि राजकुमार है दिल का टुकड़ा, प्राणों से बढ़कर प्यारा है, नहीं झुकेगा शान यदुवंश का यही ऐलान हमारा है। ऐ दासियों निश्चिंत होकर के तुम लोग जा सकती हो, जब तक देवाईत यादव के बदन में एक एक कतरा लहू है राजकुमार पे मैं आँच नहीं आने दूंगा। दासी अड़ी कड़ी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में लौटलीन है, दिल में बड़ी सुकून बा प्रसन्नता का भाव बा कि जूनागढ़ के राजकुमार के अच्छे जगह हमन पहुंचौली है। दिल में यह सुकून का भाव लेके दासी अड़ी कड़ी वहां से तो लौटेलिन बाबू, लेकिन चार दिन के बाद सैनिकन के हाथ में लग गईलिन। प्रताड़ित करने लगा वह कमीना की बता दो जूनागढ़ के अंतिम वारिस को तुम लोगों ने कहां छुपा दिया। दासी अड़ी कड़ी अपन प्राण त्याग देलिन लेकिन जबान नहीं खुलिन, ई देशभक्ति रहल। लेकिन यही देश में कुछ गद्दार भी हुए, यार देवाईत यादव के घरे राजकुमार और देवाईत पहलवान का लड़का वही उम्र के एक साल बड़ी देवाईत यादव का बिटिया, तीनों एक साथ खेलत हुए पढ़ाई लिखाई करत हुए और दोनों
राजकुमार और बेटवा पहलवान के अखाड़े पर भी पहलवान के संगे जाके रियाज पानी भी करत हुए। धीरे धीरे कुछ दिन का टाइम तो बीतल, लेकिन गद्दार, एक गद्दार पहुंचा है राजमहल में, जा करके कहा कि ऐ सेनापति, पता चल गेल तुहार अंतिम दुश्मन कहां बा। खींच लिया म्यान के बाहर वह तलवार, कहा कि बता दो, इतना पुरस्कार इतना इनाम तुम्हें दिया जाएगा, पूरी उम्र बैठ करके खाओगे तब भी नहीं खत्म होगा, लेकिन अगर तुम्हारे तुम्हारे बातों में जरा भी अगर कहीं झूठाई समझ में आया, इतनी बोटियां मैं करूंगा कि गिन नहीं सकते। ए बाबू, कहलस उगद्दार सेनापति से कि डायलॉग मरले का जरूरत नहीं बा, गांव कोलंबा में देवाईत पहलवान के घरे तुहार अंतिम दुश्मन पलत हो। हाथ में नंगी तलवार लिया सेनापति, दो चार सैनिकों को साथ में लिया है और चल दिया गांव कोलंबा की ओर। जब गांव कोलंबा की ओर चलल हो तो उसमें भाव लगल, गीत है बाकी गोरिया मुश्किल, तो गोरिया मुश्किल बजीना तेरी गली में, पापी तब पहुंचा पापी कमीना तेगा लेके ना, पहुंचा पापी कमीना तेगा लेकना, पहुंचा पापी कमीना तेगा लेकना। जा करके दरवाजे पर ऐलान कर दिया, अब छुपाने से कोई फायदा नहीं पहलवान, पता चल चुका है राजकुमार तुम्हारे घर पल रहा है, भलाई इसी में है कि राजकुमार को ला करके हमारे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारे पूरे घर को हम लोग आग के हवाले कर देंगे। घरे के आंगन में देवाईत पहलवान, अदेवाईत पहलवान का मेहरारू सोनल, देवाईत पहलवान का बिटिया, देवाईत पहलवान का बेटा और जूनागढ़ का वो राजकुमार सहमी हुई मुद्रा में पांचों परिवार पांचों सदस्य उसी आंगन में खड़े हैं। एक दूसरे का मुंह ताकत हुआ, पुनः आवाज दिया, पहलवान देर करने से कोई फायदा नहीं, 10 तक की गिनती गिनते गिनते अगर राजकुमार को लेकर के घर के बाहर नहीं आए तुम्हारे पूरे घर को मैं आग के हवाले कर दूंगा। एहर एक दूसरे का मुंह ताकत हुए, कौनो उपाय लगावे के बारे में सोचत हुए कि कौनो उपाय करल जा, तबले एकर गिनती शुरू हो गल। जो ही 5 तक की गिनती पहुंचल हो बाबू, कहानी देखा एठन से मोड़ ले ले, ले देवाईत पहलवान एक टक अपने बेटा की ओर ताके लगलन। सोनल जब अपने पति के भाव के महसूस कैलिन है, कलेजा कांप गल, दौड़ के उठा के अपने बेटवा के कलेजा से सटा लेलिन, कहलिन सैया तुहार इरादा का बा। देवाहित पहलवान कलन की दूसर कौनो उपाय नहीं हो, यह वक्त बा, यह उस समय बा, देवल बचन के निभौ ले के दिवंगत आत्मा को दिया हुआ वचन निभाने का यही वो वक्त है। वो कमीना राजकुमार को पहचानता तो नहीं है ना, क्यों ना राजकुमार की जगह अपने लाल को हम लोग दे दें। सटा लेलिन कलेजा से, कलिन की नई सैया ही नहीं हो सकत, दूसर उपाय कौनो लगावा लेकिन ऐसा हम न होए दे। कलन की पागल मत बना, अरे बहुत करी तो ले जाके काल कोठरी में डाल दही, कुछ दिन के बाद छोड़बे करी, मासूम बच्चा है कुछ करेगा नहीं इसके साथ। आखिरकार बाबूजी सीने पर पत्थर दोनों परानी रखलन है, 8 तक का गिनती पूरा होत होत खोल के दरवाजा लेके सामने खड़ा हो गिलन राजकुमार के जगह अपने कलेजा के टुकड़ा के हो। देखता है सेनापति, देखता है बड़ा प्रसन्न हुआ, शाबाश पहलवान, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम ऐसा ही करोगे, आज तूने मेरा बहुत बड़ा काम
आसान कर दिया। लड़के को अपने गोद में लेना चाहता है, लेकिन छोटा बच्चा है ना, अनजान व्यक्ति के गोद में जाने से पहले ही रोने लगा। सेनापति कहा कि एक काम और करो, तुम दोनों परानी लेकर के इसको राजमहल तक छोड़ने के लिए तुम्हें चलना पड़ेगा। जब दोनों परानी छोड़े बदे बाबू चलल हुए, उस समय पहपट का भाव लगल। छिपा के रखल पिजरा में सुगनवा सनवा जाई ना, दोनों परानी के मन में यह भाव बा, जिंदागढ़ की जूनागढ़ में रही है राजकुमार हो, अरे बाप का बदला चुका ली है, चमका के तलवार हो। देवाई पहलवान यह बात मन में सोचत हुए कि बांस के जड़ में बांसे पैदा होला, निश्चित रूप से जब लड़का जवान होई अपने बाप का बदला ही लड़का चुकाई जरूर। सोच के कैलन का, सोलंकी के यलनवा सनवा जाईना, अब विजय का बाजी जूनागढ़ बजनवा सनवा जाईना। सेनापति को देख करके राजा कर्णदेव सोलंकी बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा शाबाश सेनापति, तूने आज मेरे अंतिम दुश्मन को मेरे सामने ला करके बहुत बड़े इनाम का हक पा लिया है, लेकिन एक काम लगे हाथ और कर डालो। उछाल दिया तलवार, कहा कि ये राजकुमार देवायत पहलवान के घर पल रहा था ना, देवायत पहलवान से कहो कि इस राजकुमार के सर को धड़ से अलग करे। अरे बाप रे बाप, जब इतनी बात सुलन है पहलवान, अम्माई सोनल, आंख के सामने अंधेरा छागल, धरती हिल गई, आसमान कांप उठा, गस्तिया के गिरल चाहतिन, लेकिन देवायत पहलवान जाय के समरलन है, इशारा में कुछ समझौलन, अपने आप पर काबू करा, और ना ही तकुल करल करावल पर पानी फिर जाई। आखिरकार मैं बताता हूं मित्रों, बिरहा सुनने वाले सभी श्रोताओं, आप सभी लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि इस पृथ्वी पर दूसरा प्रमाण ये मिला। पहला प्रमाण कौन सा था? आल्हा में प्रमाण लगल। अरे जैसे मोरन ध्वज चिरल है गोदी के दूलरुआ, अरे ताम्र ध्वज पे दोनों प्राणी यरवा हो चला, वैसे देवाई यादव लेके तलवरिया, अरे पत्थर के करे जमाई सोनल हो बना, अरे तनी को ना अखिया से आंसू बहलबा, अरे खुश हो के सेनापति दिया तलवरिया, खुश हो के सेनापति दिया तलवरिया, देवाई रहा सबसी बढ़ा,
दूसरा प्रमाण, मोरन ध्वज की कहानी आप सभी को पता है। दूसरा प्रमाण, अपने दिए हुए जवान के लिए, अपने ईमान के लिए, अपने फर्ज के लिए, अपने वतन के लिए इतना बड़ा त्याग। अपने कलेजे के टुकड़े का सर धड़ से अलग कह दिलन दोनों परानी हो। बड़ा प्रसन्न भैल सेनापति, कहा कि ए पहलवान, ये पुरस्कार में तलवार तुम ले जा सकते हो। उछाल दिया तलवार, कहा मैं आज बहुत खुश हूं, हमारे महाराज भी बहुत प्रसन्न है, ये तलवार तुम्हें पुरस्कार में दिया जाता है। बोझिल कदम से बाबू राजमहल के बहरे ऐलन, बस्ती से कस्बा से जब दूर सिवान में ऐलन है, दोनों परानी एक दूसरे के गले से लग के काफी देर तक रोलन। बोझिल कदम से अपने गांव कोलांबा पहुंचलन। धीरे धीरे कुछ दिन का समय बीतल, बतावल जाला ना कि बड़ा से बड़ा घाव के समय भर दे वाला। धीरे धीरे राजकुमार युद्ध कला में निपुण, शिक्षा दीक्षा में निपुण, जवानी के दहलीज पर कदम रख दिया, खूबसूरत बांका नौजवान हुआ। एहर देवायत यादव के बिटिया भी सयानी हो गई बाबू, सुंदर घर बर देख के देवायत यादव अपने बिटिया का शादी तय कर देलन। दरवाजे पर ठीक समय बारात आ गई। अजब हितनाथ बिरादरी जेवार के लोग दरवाजे पर जुटल हुए, जलपान वगैरह का कार्यक्रम चलत हो, बांध के पगड़ी भाई का रस्म पूरी तरह से राजकुमार निभा रहा है। जब जेवार के लोग, हितनाथ बिरादरी के लोग जब जुटलन है, आपस में लोग बतियावत हुए। का बतियावत हुए लोग, देवाई पहलवान काम ठीक नहीं कैले, अरे राजकुमार का सर लगा, भेदवा का बतिया तब खोले ला जवानवा, ए बाबू भेदवा का बतिया तब खोले ला जवानवा। अरे यादव रण पुतवन के लगावा बोला, आखिरकार तमाम लोगन के मुंह से जब बात सुनलन है देवायत पहलवान, लोग आपस में बतियावत हुए कि अरे यार कुल काम तो ठीक बा पहलवान के, लेकिन सुने में आवाला कि राजकुमार का सर धड़ से अपने हाथ से अलग कीलन। कई लोगन के मुंह से जब बात सुनलन बाबू, आंख में आंसू आ गई। राजकुमार के सुरक्षा बदे जौने बात के आज तक छुपा के रखलन पूरे समाज से, पूरे लोगन से, आज बर्दाश्त नहीं होत बा बाबू। पूरे लोगन के एकत्रित कैलन, कहलन कि भैया आप लोगों ने एक बात के सुनला, पूरी बिरादरी के सामने जब वो सच्चाई के बतौलन है, लोग अवाक रह गिलन कि अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा बलिदान, आखिरकार लोग सुन के अभी सोचते हुए। और तब तक लगभग 70 साल के एक चौधरी बिरादरी के खड़ा हो गईलन बांध के पगड़ी, कहलन कि अरे धिक्कार बा तुलहन के जवानी के, इतना बात सुनले के बावजूद अब ही तुनहन का खून गरम नहीं भेल। इतना सुनते बाबू बन गई पगड़ी, जेकरे हाथ में जवन हथियार मिलल, लाठी डंडा फरसा कुदारी हंसुआ घुरपी जे जवन पौलेस, अचानक आक्रमण करे के तैयारी लोग कह दिलन। आ जब आक्रमण करे के तैयारी कैलन है तो खड़ी का भाव लग गई। अरे अपने यादव कुल का शान ला बचाई बिरावा, कई के जूनागढ़ में बैरी से लड़ाई बिरावा, चौधरी ऐलान केलन अपने जूनागढ़ के शान ला बचाई बिरवा, कही के जूनागढ़ में बैरी से लड़ाई बिरवा। टूट पड़े
यादव वंश के नौजवान, हाथ में जगरे जवन हथियार मिलल, बाबूजी हर शराब शबाब और कबाब के मस्ती में इकुल चूर हुए। अचानक छापामार युद्ध जब कैलन है, हमला झेल नहीं पौलन, आ जब झेल नहीं पौलन तो परिणाम निकलल। का परिणाम निकलल? वैसे भी दुर्गा माई का वरदान है लाठी में के करे अहिरन के लौर में जे करे आगी बरसे, लौर में जे करे आगी बरसे, दुर्गा का वरदान हो, टूट पड़े सैनिकों के ऊपर, अरे मोरे लाठी तान हो। दिखा दिया अरे बलवा का बिरताई बीरवा, कई के जूनागढ़ में बरी से लड़ाई बीरवा। हर नौजवानन का लाठी गिरे खरिहान मचा देलन, भागे का जगह नहीं मिलल, परिणाम निकलल कि सेना मारल गई रणभूमि के मैदान में। भागना चाहता है राजा कर्णदेव सोलंकी जान बचा करके कि भाग चलते हैं गुजरात की ओर। तब तक देवायत यादव ऐलान करके कहलन कि अरे बेटा अब का सोचत हुआ, यह वो कमीना बा बिना कौनो कारण का तोहरे राज पर आक्रमण कैलस और धोखे से तोहरे बाबू का सर धड़ से अलग कह दिलस। आग लग गई पूरे बदन में राजकुमार के, नंगी तलवार हाथ में लिया दौड़ पड़ा, एक झटके से गुजरात के राजा कर्णदेव सोलंकी का सर धड़ से अलग कर दिया। ई दृश्य देख के सेनापतिवा रथ के पीछे से भागल चाहत हो, दौड़ के देवायत यादव आगे पड़ के यह फेफा पकड़लन है। कहलन का बेटा कहां जात हुआ? फेफा पकड़ के उठाए के पटक के अछतिया पर यह अपन घुटनवा रख दिलन। जब घुटना रखलन तो मुहे से दुई हुलुक्का खून फेंक दिलिस। गन 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 कापत है, कहलस कि सरकार पहलवान हमके छोड़ दा, हमहन तो नौकर है न, हमहन के जवन आदेश मिलला वह हमन करल जला। देवाईत पहलवान कलन छोड़ तो देव बेटा, लेकिन वो जौन तलवरिया इनाम में दिले रहे तनि सा ओकर दर्शन कर ले। चमकता हुआ तलवार एक झटके में उसके गर्दन पे रख देते हैं, सेनापति के सर धड़ से अलग हो गए। आखिरकार पुनः यदुवंशियों का झंडा जूनागढ़ में फहर गया, नौगढ़ राजकुमार का राज तिलक भल। इतना ही नहीं, राजकुमार का राज तिलक तो हो गया, लेकिन उसने अपने सभी राज्य के लोगों को बुला करके ऐलान कर दिया, जब तक हमारे धर्म के पिता देवायत यादव हूं तब तक दुई ठे सिंहासन लगी, दो सिंहासन बराबर में लगा, एक पर धर्म के पिता देवायत यादव विराजमान हुआ करते थे, दूसरे पर राजकुमार नौगढ़ बैठता था और राज्य का संचालन करने लगा। कहानी समाप्त भइल, खानदान का परिचय बा। पत्तू यड़ी कड़ी बावली गिरनार पर खुदवाए, राम सगल सीताराम अरे उगो कुआ तब बनवाए। आज भी जब जइबा आप जूनागढ़ के किला के मेन गेट पर, देवायत यादव के बेटे का नाम आज भी अंकित है उस किले पर, जिसकी बलिदान राजकुमार की जगह पे दोनों परानी कैले रहलन। दासी अड़ी और कड़ी जवन जान पर खेल के जूनागढ़ के वारिस के बचौले रहलिन, वो दासी अड़ी कड़ी के नाम से जूनागढ़ के किला के ठीक गेट के बगल में शानदार तालाब का निर्माण करवाए। राजकुमार नौगढ़ सबके सामने आज भी अपनी वीर गाथा कह रहा है, इतिहास के स्वर्ण अक्षर में नाम लिख दिया गया। कहानी समाप्त हुई कि अरे बचाइबा जूनागढ़ के पनिया, तो राजेश भरत कभी दुश्मन का नाम मिटाइबा, रे बचाइबा जूनागढ़ के पनिया।